नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के चार जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ में करेंगे जनसभा। जौनपुर में दोपहर 2 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 3 बजे बहराइच में रोड शो करेंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पर्वतीय समाज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके लिए तमाम तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी है। और संवाददाता रोहित विक्रम सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्या माने, किस तरह की तैयारियां हैं? मुख्यमंत्री लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं एक के बाद एक। देखिए विशाल, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो इनपुट प्राप्त हुए हैं हाईकमान से, दिल्ली से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इस समय जो देश में सबसे बड़े 5 स्टार प्रचारक हैं, उसमें 5वें स्थान पर सीएम धामी का नाम दर्ज हो गया है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएम धामी भारतीय जनता पार्टी में 5वें सबसे लोकप्रिय नेता इस समय है पूरे देश में। और इसी के तहत सीएम धामी की लगातार जनसभाएं जो है देश के अलग अलग हिस्सों में कराई जा रही हैं। बीते रोज वे उत्तर प्रदेश में थे। आज की अगर हम बात करें तो झांसी से लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में वो युवा सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। करीब 10:45 पे ये कार्यक्रम है। अब से 10 मिनट बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी गार्डन में होगा, झांसी में। और उसके बाद 2 बजे की दूसरा कार्यक्रम अगर बात करें तो 1:25 पर है जौनपुर में। यही आप ये सोचिए, जौनपुर में मतलब भदोही के आगे जौनपुर लोकसभा प्रत्याशी कृपाल शंकर सिंह के समर्थन में युवा सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे जी। और ये कार्यक्रम भी जौनपुर में ही होगा। तीसरा कार्यक्रम जो है बहराइच में है, वो 3:30 बजे है। लोकसभा प्रत्याशी आनंद कुमार गौड़ के समर्थन में आयोजित रोड शो जो है उसमें प्रतिभाग करेंगे जी। और इसके साथ ही चौथा कार्यक्रम है शाम को 6:05 पे लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में पर्वतीय समाज सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। और 5वां कार्यक्रम 7:30 बजे का है शाम का, लखनऊ में ही लोकसभा प्रत्याशी जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समर्थन में पर्वतीय समाज बैठक में प्रतिभाग करेंगे। यानी 2 जगह ये बैठकें होंगी। पहली जो बैठक है ये कल्याणपुर में होगी लखनऊ में, दूसरी बैठक जो है गोमती नगर में होगी लखनऊ में ही। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि रात के 9 बजे तक सीएम धामी का ये व्यस्ततम कार्यक्रम है, क्योंकि सीएम धामी की लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर, सीएम योगी दूसरे स्थान पर, इसी तरह से 5वें स्थान पर सीएम धामी का नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंकित हो चुका है। और इसीलिए इनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं पूरे देश में हो रही है। अच्छा रोहित, देखा यह भी जा रहा है कि लगातार एक दिन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार वो कार्यकर्ताओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों को से अपील भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में उनकी एक छवि भी बनती हुई नजर आ रही है, एक अलग डिमांड जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखी जा रही है। रोहित जी, जिस तरह से हम योगी आदित्यनाथ को देखते थे कि लोग हाथों हाथ लेते थे, उनके पहुंचने पे बहुत उत्साह रहता था लोगों का कि सीएम योगी की जनसभाएं हो रही हैं, उसी तरह से अब सीएम धामी जहां जहां जा रहे हैं तो उनका भी बेहद भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बीते रोज हमने देखा है कि कल जब रेखा वर्मा के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे थे तो मंच से जो सूत्रधार है वो खुद ही संबोधित करते हुए इस बात को कह रहे थे कि बहुत ही कम समय में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेताओं में से, सबसे लोकप्रिय नेताओं में से सीएम धामी का नाम अंकित हो गया है। और सीएम धामी यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे लोग जो है जहाँ, क्योंकि निर्णय जो है सीएम धामी ने बहुत महत्वपूर्ण लिए हैं और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी में उनकी छवि बेहतर होती जा रही है। और सीएम धामी को देखने और सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार करना शुरू कर दी है। ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष के स्तर पर नेतृत्व कौन करने वाला है, जिसमें सीएम योगी, सीएम धामी इस तरह के नेता होंगे जिनकी जो फेहरिस्त है अब तैयार हो रही है। और सीएम धामी 5वें स्थान पर हैं, ये उत्तराखंड के लिए बेहद गौरव की बात है। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बीजेपी के लिए बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी ने यूपी में चुनावी रैली कर पार्टी के लिए वोट भी मांगे। यूपी के धौरहरा संसदीय क्षेत्र में सीएम धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा के समर्थन में वोट देने की अपील भी की। साथ ही विपक्षियों को एकाएक कर कई मुद्दों पर घेरा भी और बीजेपी के डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताते हुए एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दूसरे प्रदेशों में जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के धौरहरा सीट से पार्टी प्रत्याशी रेखा वर्मा के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी की उपलब्धियां गिनाई हैं। कि आप सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, रेखा जी को यहां से सांसद चुनना है। मैं रेखा जी का धन्यवाद करता हूं कि इनका चुनाव आ गया और इनके लिए समर्थन के बहाने ही मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान हो गया। बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी जहां भी चुनावी सभा कर रहे हैं वहां दावा कर रहे हैं कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन रही है। यूपी के धौरहरा में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है जिसमें हजारों लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। अक्षय तृतीया का दिन है, भगवान परशुराम जी की जयंती है और आज एक बड़ा शुभ दिन है उत्तराखंड में। आज से चार धाम यात्रा शुरू हो रही है और प्रातःकाल 4 बजे से मैं आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने के समय पर वहां उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद मेरा पहले से ही कार्यक्रम था और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप सब लोगों से आकर यहां मिलूं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, अरे प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री पंचम जी वहां से नारा लगा रहे थे, अभी रेखा जी कह रही थी पंचम जी वहां खड़े हैं, शुक्ला जी भी बता रहे थे, लेकिन ऐसे अनेक अनेक मित्रों से मेरा बहुत बचपन का साथ है और मैं सच बताऊं तो केवल आप लोग ही नहीं सोचते कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, मैं भी सोचता हूं। उधर से वो नीरज गुप्ता जी मैकलगंज वाले भी जो है हाथ उला रहे हैं। इधर का हर एक स्थान मैं सच बताऊं तो मेरे हृदय में बसता है और यहां जहां बचपन की अपनी स्मृतियां होती हैं, बचपन के साथी होती है, हर कोई चाहता है उनके बीच में आना और मैं भी हमेशा प्रतीक्षा करता हूं। मैं रेखा जी का धन्यवाद करता हूं कि इनका चुनाव आ गया और इनके लिए समर्थन के बहाने ही मुझे आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान हो गया। धौरहरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही बीजेपी की प्रत्याशी रेखा वर्मा की तारीफ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इनके कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं और आगे भी विकास कार्य होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा भी था जब सपा और बसपा की सरकार में अपराधी हावी हुआ करते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो योगी आदित्यनाथ ने अपराध पर ब्रेक लगा दिया है। ये इस बात का परिचायक है कि आप सब लोगों ने संकल्प ले रखा है कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, रेखा जी को यहां से सांसद चुनना है। भाइयों बहनों, मैं थोड़ा विलंब से आया, वैसे मेरी आदत है, रेखा जी जानती है हमारी प्रभारी है, अनेक बार विकास की बात है, यहाँ मिल चलानी है, यहाँ की सड़कें बनवानी है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे सड़कों के काम इस क्षेत्र में हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ की बनी है और अनेक अनेक जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे उन सभी कामों को रेखा जी ने आगे बढ़ाया है। और रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो सीतापुर लखनऊ बरेली हाईवे, दिल्ली हाईवे, पीलीभीत से बस्ती हाईवे, लखीमपुर धौरहरा निगासन की सड़क, गोला से शाहजहांपुर हाईवे जैसे अनेक कार्य इन क्षेत्रों में हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में हाईवे से लेकर रेलवे तक के विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीमार प्रदेश के रूप में पहचान बन गई थी,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है। हमको सब पता है, सब लोग जानते हैं, जब सपा और बसपा की सरकारें होती थी तो उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में होती थी। सत्ता के संरक्षण में पलने वाले माफिया किस प्रकार से अपराध करते थे, किस प्रकार से वसूलियां करते थे। तुष्टीकरण की राजनीति करके जगह जगह दंगे होते थे। होली आती थी, दिवाली आती थी, कोई त्योहार आता था, हम सब लोगों में पहले ही भय आ जाता था कि भाई कहीं बम विस्फोट तो नहीं हो जाएगा। याद होगा ना आपको, दशहरा होता था, कोई मेला होता था तो कहते थे भाई बड़े संभल के जाना। ये सारा काम बंद हो गया भाइयों बहनों, योगी जी के आने के बाद माफिया राज समाप्त हो गया है। ऐसे अनेक काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किया गया तो खून बहेगा, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में उसे भी खत्म कर दिया गया और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग राम मंदिर निर्माण पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आते हैं। कितने सारे निर्णय लिए गए हैं, एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था वो निर्णय लिए गए। कश्मीर के अंदर धारा 370 हटना ये कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते थे कि कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हुई, एक मच्छर भी नहीं मरा, इतनी शांति से काम हुआ। भाइयों बहनों, तीन तलाक का खात्मा हुआ। भाइयों बहनों, भगवान आराध्य देव राम का मंदिर न बने उसके लिए भी जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे उतने हथकंडे इन्होंने अपनाने का काम किया है। लेकिन मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दृढ़ संकल्प शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। सीएम धामी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में विपक्ष ने अड़ंगा लगाने का काम किया, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार की वजह से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कि आज देश के हिंदुओं की संख्या घट रही है। मौजूदा वक्त में विपक्ष पीएम मोदी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन देश की जनता सब कुछ जानती है। उत्तराखंड राज्य अभी एक कल जो एक जनसंख्या का आकलन आया है, आपने देखा होगा उस जनसंख्या के आकलन में जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी, वो लगातार घटती चली गई 1950 से लेकर अब तक की जो आई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये आबादी हिंदुओं की क्यों घटती जा रही है। मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, आपके मन में ही प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न का जवाब हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो इसका जवाब अवश्य मिलेगा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 वर्षों तक, सबसे अधिक वर्षों तक किस पार्टी का शासन रहा। हमारे मुंह से निकलेगा कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, उसमें से भी 55 वर्षों तक एक ही परिवार का शासन रहा और लगातार हिंदू घटते चले गए। भाइयों बहनों, लगातार घटते जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमको खोजना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार एक देश एक कानून पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पास कर दिया गया है, जो आज तक किसी राज्य ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई है और उसे कानून बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। हमने उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें अपनी हमको स्वीकृति दे दी है, क्योंकि हमने कहा है उत्तराखंड के अंदर रहने वाला चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी वर्ग का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे। मुझे आप सबके बीच में आकर ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के समक्ष हमारा ये संकल्प था और हमने ये मोदी जी की गारंटी के रूप में
ये संकल्प अपना पूरा किया है, अपनी गारंटी पूरी की है। मोदी जी की ये गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरी हो गई है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और देवभूमि के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी जनता से जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है, जिसका उदाहरण है उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी पास करना। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड से गंगा निकलकर पूरे देश में जाती है, उसी तरह उत्तराखंड का यूसीसी कानून पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये जो समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, जैसे गंगा उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी उत्तराखंड से निकलकर अब पूरे देश को लाभ देने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उस संकल्प में ये संकल्प रखा गया है कि नई सरकार का गठन होगा तो पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। भाइयों बहनों, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। इसी प्रकार से हमने दंगा रोकने का कानून उत्तराखंड में बना दिया, इसी प्रकार से हमने धर्मांतरण का कानून बना दिया। और भाइयों बहनों, आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, उत्तराखंड में जो लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद, अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। अपने संबोधन में सीएम धामी ने यूसीसी से लेकर लैंड जिहाद तक और सख्त नकल विरोधी कानून से लेकर धर्मांतरण कानून तक की उपलब्धियां गिनाई और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद सीएम धामी लगातार दूसरे प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं और तीसरी बार भी जीत का दावा कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड के सीएम ने जो बड़े बड़े फैसले लिए हैं उससे जनता खुश है और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। यही वजह भी है कि पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। उम्मीद है कि जहां धामी की सभा होगी वहां प्रत्याशी की जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चमोली जिले में बदला मौसम का मिजाज, आज सुबह से लगी है झमाझम बारिश। बारिश के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। जंगलों में लगी आग भी बुझी है और बारिश के कारण चारों ओर फैला है धुआं। तो आपको बता दें कि जंगलों में एक बार फिर से आग लगातार जारी है और ऐसे में पेयजल का संकट भी अब दूर होगा। और आपको बता दें कि सुबह से ही बारिश लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है और पहाड़ों में लगातार बारिश भी देखी जा रही है। संवाददाता जितेंद्र पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किस तरह की संभावनाएं हैं? मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट भी जारी किया है और अभी किस तरह का मौसम हो रखा है चमोली में? जी देखिए, आज सुबह अचानक चमोली जिले के जो विभिन्न हिस्से हैं उनमें झमाझम बारिश के चलते जो मौसम है उसमें परिवर्तन हो गया है। जो तपती गर्मी थी उससे निजात मिल गई है और जो वनाग्नि के चलते जगह जगह जंगलों में आग लगी हुई थी, बारिश के कारण वो आग भी बुझ गई है। जो धुआं था वह धुआं भी छट गया है और जो पानी की वजह से लोगों को पेयजल की जो समस्या हो रही थी वो भी दूर हो गई है। पानी के स्रोत जो है बारिश के कारण रिचार्ज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश के होने से लोगों को काफी इससे फायदा मिला है। जो चारधाम पर जो यात्री आ रहे हैं उनको भी देवभूमि में जो मौसम है वो भी अच्छा मिल गया है, ठंडा मिल गया है और अब यहाँ पर जो है चारधाम यात्रा की तैयारी चल रही है तो उसको लेकर भी लोगों में खासा उत्साह है। जी जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपका उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। एक तरफ जहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वो छुट्टी पर नहीं थे बल्कि वन मंत्री और पर्यटन मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। महारा ने कहा है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कुछ दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था मुझे। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के जंगलों की भयावह स्थिति पर भी
बीजेपी पर हमला बोला है। जिस दिन गोपेश्वर में घटना घटी थी, चमोली में 17 लोग करंट से मरे थे, करण मेहरा को 4 बजे पुलिस लाइन से छोड़ा था, उसके बाद भी 9 बजे में रात को गोपेश्वर गाड़ी से चले गया था, लेकिन प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री दूसरे दिन चौपड़ से भी दूसरे दिन पहुंचते हैं, तो उस समय याद नहीं आती छुट्टी कौन ले रहा कहाँ ले रहा करके। चारधाम यात्रा में इतने लोग मरे, मैं पहले जाके आपसे आगे रूबरू होकर कह गया कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग मरेंगे, पोस्ट कोविड इफेक्ट है, और सरकार के मंत्री छुट्टी मना रहे थे, आज भी छुट्टी में दोनों मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी और वो मंत्री भी जो पर्यटन मंत्री है। चारधाम यात्रा की तैयारियां हो रही, क्या खाक तैयारी हो रही, कहाँ ऑक्सीजन के कहीं लगे हैं पार्लर्स, इस बात का जवाब दे। बीजेपी गंभीर चीजों से बच के बचकानी बातें बचकानी प्रेस करती है, बीजेपी को गंभीर होना चाहिए सरकारी कार्यक्रमों को कार्यों को करने के लिए। आज जो घटना हरिद्वार में घटित हुई है यात्रियों के संग चारधाम यात्रा के एनरोलमेंट में, उस घटना से सबक लेके कुछ अच्छे इंतजाम करने चाहिए ताकि दूसरे राज्यों में उत्तराखंड की छवि खराब ना हो। करण मेहरा कहाँ जा रहा है, राहुल गांधी कहाँ जा रहा है, इस बात की चिंता बीजेपी को छोड़ देने। मैं तो सोचता हूँ अगर मैं एडमिट भी था, बीमार भी था, तो शायद बीजेपी ने कुछ दिन चैन की सांस ली होगी, करण मेहरा यहाँ देहरादून में नहीं है, अकेला अध्यक्ष है करण मेहरा, जिसका सत्ताधारी दल ने पुतला जलाया है, नाक में दम कर रखा, इसीलिए मेरी छुट्टी से भी परेशानी है और देहरादून रहने से भी परेशानी है। जिला उधमसिंह नगर से एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस चौकी के अंदर शराब पार्टी और पुलिस कर्मियों की बीजेपी नेता के साथ अभद्रता को लेकर SSP मंजुनाथ TC ने कार्रवाई की है। SSP मंजुनाथ TC ने मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पितरामपुर चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। एक सूचना आई 112 में कि दो पक्षों में मारपीट हो गया, उस पर एक पक्ष के एक आदमी ने डंडे से दूसरे आदमी का जो है हाथ पैर पे और थोड़ा सा खोपड़ी पे मारपीट कर दिया, जिससे उसको चोटी लग गया। तो ये 112 की सूचना पे ये दोनों कर्मचारी जाते हैं और जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है। परंतु उसके बाद जो है जो भी वो पक्ष है, दूसरा पक्ष है, जो विपक्षी पक्ष है या फिर प्रतिवादी बोलो, उसके फेवर में या उसके बारे में जानकारी करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, मामला की जानकारी करने के लिए शहर जसपुर और पतरामपुर क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तिगण आते हैं। उनके साथ ये जो सिपाही है कांस्टेबल सचिन, वो जो है नशे की हालत में धुत होके उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है और बहुत ज्यादा हॉट टॉक और इस प्रकार की बदसलूकी और धक्का मुक्की करने का ये जानकारी में आया। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती मैं चौकी इंचार्ज का मान रहा हूँ, क्योंकि वो बिना बताए बिना अनुमति का 3 दिन से गायब रह रहा है, चौकी पहुंच ही नहीं रहा, ठीक है। तो उसको और कांस्टेबल आपका सचिन और कांस्टेबल अनिल और ये जो बाहर से लोग आए थे, वो तो 2 लोग भाग गए थे जब तक हमारा SSI चला गया, SHO चला गया, ठीक है। तत्काल मैं 4 लोगों को सस्पेंड कर लिया हूँ और ये जांच जो है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा की जाएगी, और इसमें यदि पब्लिक के लोग जिनके साथ ये बदसलूकी हुआ अगर वो चाहते हैं तो मैं FIR भी लॉन्च करूंगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए HornbillTV। नमस्कार।